साथियों नमस्कार, आज डिस्कस करेंगे सेक्शन 9 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट 1955, रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स, दाम्पत्य अधिकारों का प्रत्यास्थापन। देखिए, जब कोई भी मैरिज अकॉर्डिंग टू सेक्शन 5 एंड सेक्शन 7 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट के कंप्लीट हो जाती है, तो कंप्लीट होने के बाद दोनों पार्टीज के कुछ मैट्रिमोनियल ऑब्लिगेशंस, मैट्रिमोनियल ड्यूटीज होती हैं जो उन दोनों पक्षों को परफॉर्म करनी होती है। मैरिज इम्पोजेज एन ऑब्लिगेशन ऑन बोथ द स्पाउस टू लिव विद ईच अदर एंड टू कोहैबिटेशन विद ईच अदर। बट सपोज वन पार्टी refuse to live with the another, can a later party by a legal process compel the other party to live with him? भाई, marriage दोनों पक्षों पर कुछ वैवाहिक कर्तव्यों का पालन करने के लिए उत्तरदायित्व डालती है और दोनों की ड्यूटी है कि वो साथ साथ रहें और अपने वैवाहिक कर्तव्यों की पूर्ति करें। लेकिन मान के चलो उनमें से एक पार्टी दूसरी पार्टी के साथ नहीं रहती है, उसका साथ छोड़ देती है, विड्रॉ फ्रॉम द सोसाइटी कर देती है, तो क्या एग्रीव पार्टी, पीड़ित पक्ष के पास ऐसा कोई विकल्प है जो उसे अपने साथ रखने के लिए कंपेयर कर सके? यस, अंडर सेक्शन 9, रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट। लेकिन इसे डिस्कस करने से पहले हम ये देखते हैं कि ये जो कंसेप्ट है रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट का, ये कैसे आया। देखिए, हिंदू धर्म शास्त्रों में, जैसे मैंने आपको सैक्रामेंटल मैरिज का कंसेप्ट बताया था, उसमें मैंने ये बताया था आपको कि हिंदू मैरिज इज ए परमानेंट यूनियन। तो हिंदू धर्म शास्त्रों में तो ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं था कि हस्बैंड वाइफ दोनों में से कोई सोसाइटी को विड्रॉ कर जाए, साथ छोड़ जाए, ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं था। क्यों? क्योंकि वो तो परमानेंट यूनियन थी। तो फिर ये कंसेप्ट हमारे पास कहां से आ गया? दरअसल ये जो ओरिजिनल कंसेप्ट है, ये ज्यूइश लॉ का है और ज्यूइश लॉ से ये इंग्लिश लॉ में आया और इंग्लिश लॉ से ये हिंदू लॉ में आया। तो ओरिजिनल ये कंसेप्ट हमारा नहीं है, यहूदी विधि से का ये ओरिजिनल कंसेप्ट है, वहां से इंग्लिश लॉ में आया और इंग्लिश लॉ से हिंदू लॉ में आ गया। इससे रिलेटेड एक पुराना केस भी है, दादाजी बीकाजी वर्सेस रुकमाबाई। ये एक्ट आने से पहले का केस है। सेक्शन 9 1955 में हमारा हिंदू मैरिज एक्ट आया, उससे पहले का केस है। तो एक ऐसे ही एक वाइफ ने हस्बैंड के सोसाइटी को विड्रॉ कर दिया था, वो छोड़ के चली गई थी। तो उन्होंने एक पिटीशन फाइल की मुंबई हाई कोर्ट में और उन्होंने कहा, भाई मेरी वाइफ को मेरे साथ रहने के लिए भेजा जाए, वो मेरा साथ छोड़ गई। तो वाइफ की तरफ से ये प्ली लिया गया कि भाई हिंदू धर्म शास्त्रों में इस तरीके का कोई प्रोविजन नहीं है। तो मुंबई हाई कोर्ट ने कहा कि इसके अगेंस्ट भी कोई प्रोविजन नहीं है और प्रोविजन की जरूरत भी नहीं थी। क्यों? क्योंकि हिंदू धर्म शास्त्रों में हस्बैंड वाइफ के पास कोई ऑप्शन ही नहीं होता था, कोई भी सोसाइटी को विड्रॉ नहीं कर सकता था। इसलिए मुंबई हाईकोर्ट ने वाइफ से कहा कि आप अपने हस्बैंड के साथ रहें। अब इसी प्रोविजन को हमने सेक्शन 9 में ले लिया। तो अब यदि सेक्शन 9 में देखें कि भाई सेक्शन 9 में क्या है, तो देखिए सेक्शन 9 में जब हस्बैंड या वाइफ दोनों में से कोई एक विदाउट एनी रीजनेबल कॉज, किसी युक्तियुक्त कारण के बिना सोसाइटी को विड्रॉ कर जाता है, कर जाती है, तो ऐसी स्थिति में जो एग्री पार्टी है
पीड़ित पक्ष है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में एक पिटीशन फाइल करेगा और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट उस पिटीशन में जो स्टेटमेंट दिए गए हैं उनकी सत्यता के बारे में कि वो सही हैं अपनी संतुष्टि हो जाने पर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सेक्शन 9 में रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट की डिग्री प्रदान कर सकेगा और साथ ही साथ इसमें एक एक्सप्लेनेशन जोड़ा हुआ है कि भाई जब क्वेश्चन यह अराइज होता हो कि विथड्रॉ फ्रॉम द सोसाइटी के लिए कोई रीजनेबल एक्सक्यूज है, जहां प्रश्न यह उठता हो कि क्या साहचर्य से प्रत्याहरण के लिए कोई युक्तियुक्त कारण है, तो उसे साबित करने का भार बर्डन ऑफ प्रूफ उस पार्टी पर होगा जिसने सोसाइटी को विथड्रॉ किया है। ये एक्सप्लेनेशन सेक्शन 9 में मैरिज लॉ अमेंडमेंट एक्ट 1976 के द्वारा जोड़ा गया और उसके पीछे भी एक केस था, उस केस का नाम है साधु सिंह वर्सेज जगदीश कौर। इस केस में वाइफ ने सोसाइटी को विथड्रॉ कर दिया था, हस्बैंड ने सेक्शन 9 की पिटीशन फाइल की, लेकिन हस्बैंड ये प्रूव करने में असमर्थ रहा, असफल रहा कि उसकी वाइफ ने सोसाइटी को विदाउट एनी रीजनेबल कॉज विथड्रॉ किया है और ये उसके लिए संभव भी नहीं था। क्यों? क्योंकि भाई जिस पार्टी ने सोसाइटी को विथड्रॉ किया है, जिस पक्ष ने साहचर्य से प्रत्याहरण किया है, वही ढंग से बता पाएगा कि उसके विथड्रॉ फ्रॉम द सोसाइटी का क्या कारण है, पिटीशनर कैसे बता पाएगा। तो ये उस समय इसमें लैक्यूना था, तो इस केस ने इस एक्सप्लेनेशन को मैरिज लॉ अमेंडमेंट एक्ट 1976 से ऐड करवा दिया। अब बात करते हैं असेंशियल एलिमेंट ऑफ द रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट कि भाई इसके क्या असेंशियल एलिमेंट है जो सेक्शन 9 में इसको डिफाइन किया गया है। तो देखिए, द रेस्पोंडेंट हैज विथड्रॉ फ्रॉम द सोसाइटी ऑफ द पिटीशनर विदाउट एनी रीजनेबल कॉज। दूसरे पक्ष ने याचिकाकार का सहचर्य बिना किसी युक्तियुक्त कारण के छोड़ दिया है, प्रत्याहरित कर दिया है। फर्स्ट असेंशियल एलिमेंट। सेकंड, द कोर्ट इज सेटिस्फाइड अबाउट द ट्रूथनेस ऑफ द स्टेटमेंट मेड इन सच पिटीशन। न्यायालय इस बात के बारे में संतुष्ट है कि याचिका में जो भी कथन किए गए हैं वो सत्य हैं। और तीसरा, देयर इज नो लीगल ग्राउंड व्हाई द रिलीफ शुड नॉट बी ग्रांटेड। याचिका प्रदान करने के मार्ग में किसी भी प्रकार की कोई बाधा नहीं है। जब ये तीनों बातें क्लियर हो जाती हैं तो सेक्शन 9 की डिग्री कोर्ट के द्वारा फेवर में या अगेंस्ट में जैसे भी है पास कर दी जाती है। अब देखिए, कभी कभी एग्जाम में या कम्पिटिटिव एग्जाम में इसकी कॉन्स्टिट्यूशनलिटी से रिलेटेड या तो केस पूछे जाते हैं या इसकी कॉन्स्टिट्यूशनलिटी को डिस्कस करवाया जाता है कि भाई क्या सेक्शन 9 रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट दाम्पत्य अधिकारों की प्रत्यास्थापन का प्रावधान वेदर इट इज कॉन्स्टिट्यूशनल और नॉट, क्या यह संवैधानिक है या असंवैधानिक है। इससे रिलेटेड हमारे पास तीन केस हैं, कॉन्स्टिट्यूशनलिटी, कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट। फर्स्ट केस हमारे पास टी सरिता वर्सेज बैंकट सुबाया। देखिए, आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट का केस है और जस्टिस चौधरी ने इस केस में डिसीजन दिया था। दरअसल ये जो महिला थी टी सरिता, इसकी मैरिज वेंकट सुबैया से हो गई। मैरिज के बाद टी सरिता
एक्ट्रेस बनना चाहती थी, हीरोइन बनना चाहती थी। तो मैरिज के बाद ये अपने मैट्रिमोनियल होम से बिना किसी को कुछ बताए हुए बाहर चली जाती थी। जाने का टाइम तो था इसका, लेकिन लौटने का कोई टाइम नहीं था। कभी कभी सेम डे वापस आ जाती थी, कभी कभी कई दिनों बाद ये घर पर आती थी। तो हस्बैंड परेशान हो गया, कुछ इनमें कहा सुनी हो गई, मनमुटाव हो गया, तो ये एकदम घर छोड़ करके चले गए। कोई बात नहीं, धीरे धीरे इसका प्रयास रंग लाया, इसकी मेहनत रंग लाई, और ये साउथ इंडिया की जो फिल्म बनती हैं उनमें एक जाना पहचाना नाम हो गया। लोग टी सरदा को उसके नाम से जानने लग गए। एक अच्छी एक्ट्रेस एस्टेब्लिश हो गई साउथ की फिल्मों में। जब ये एस्टेब्लिश हो गई तो इसके हस्बैंड को लोगों ने याद दिलाया, यार ये तो तेरी वाइफ है। तो इसका पतित्व जागा और इसने सेक्शन 9 की पिटीशन टी सरदा के अगेंस्ट फाइल कर। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने बैंकट सोवाया हस्बैंड के फेवर में डिसीजन दिया और टी सरदा को आदेश दिया कि भाई आप सेक्शन 9 की डिग्री का फॉलो कीजिए और अपने हस्बैंड के साथ रहिए। टी सरदा ने इस जजमेंट के अगेंस्ट आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट में अपील की और आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट में जस्टिस चौधरी ने इस केस की हियरिंग करते हुए जो जजमेंट दिया, जस्टिस चौधरी कहते हैं, द रेमेडी फॉर रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 9 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट इज सेविज क्रूअल एंड बारबरिश रेमेडी एंड इट्स वायोलेट द राइट टू प्राइवेसी एंड ह्यूमन डिग्निटी गारंटेड बाय आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। Hence, Section 9 is void and unconstitutional. धारा 9 में जो प्रावधान दिए गए हैं, दांपत्य अधिकारों की प्रत्यास्थापन की जो डिक्री है, ये बार्बरिक है, क्रूर है, असत्य है, जंगली है, बर्बर है। ये किसी व्यक्ति के राइट ऑफ प्राइवेसी, जो कि आर्टिकल 21 में फंडामेंटल राइट है, निजता के अधिकार का हनन करता है, उल्लंघन करता है। ये किसी व्यक्ति की मान मर्यादा सम्मान का उल्लंघन करता है। इसलिए सेक्शन 9 को जस्टिस चौधरी ने, आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने, अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया, वॉइड डिक्लेयर कर दिया। लेकिन जस्टिस चौधरी यहीं नहीं रुके, जस्टिस चौधरी ने आगे जो कहा कि सेक्शन 9 डिनाइड ए वुमेन हर फ्री चॉइस वेदर व्हेन एंड हाउ हर बॉडी वाज बिकम टू व्हीकल द बीकन फॉर द प्रोक्रिएशन ऑफ एनदर ह्यूमन बीइंग फ्रॉम दिस डिग्री द वुमेन डिप्राइव्ड कंट्रोल ओवर हर फ्री चॉइस द वुमेन लॉसेस कंट्रोल ओवर हर मोस्ट इंटीमेट डिसीजन। इस डिग्री के द्वारा, सेक्शन 9 में न्यायालय के द्वारा जो डिग्री दी जाती है, ये किसी महिला को उसकी इच्छा के विरुद्ध गर्भ धारण करने के लिए बाध्य करती है। ये किसी महिला का जो अपना उसका मोस्ट इंटीमेट डिसीजन होता है अपनी बॉडी के बारे में, उससे वायोलेट करती है, उसका उल्लंघन करती है, उसे निर्णय को लेने से वंचित करती है। ये किसी महिला को किसी दूसरे व्यक्ति के साथ, चाहे उसका पति ही क्यों ना हो, रहने के लिए कंपेल करती है, बाध्य करती है। इसलिए सेक्शन 9 को हिंदू लॉ की किताब में से उठा करके फेंक देना चाहिए। ये जस्टिस चौधरी ने, आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने सेक्शन 9 को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करते हुए कहा। अब हम दूसरा केस देखते हैं जो दिल्ली हाई कोर्ट का है। दिल्ली हाई कोर्ट में जस्टिस रस्तोगी ने इसकी हियरिंग की थी। हरविंदर कौर वर्सेज हरमिंदर सिंह।
इस केस में दिल्ली हाई कोर्ट का केस है, जस्टिस रस्तोगी ने इस केस में सुनवाई की थी। जस्टिस रस्तोगी सेक्शन 9 के बारे में कहते हैं कि भाई द ऑब्जेक्ट ऑफ द सेक्शन 9 इज द कंसोर्टियम कोहेबिटेशन नॉट मियरली सेक्सुअल इंटरकोर्स। धारा 9 का उद्देश्य दोनों पक्षों के बीच सामंजस्य बैठाना है, दोनों पक्षों के बीच मेल मिलाप करवाना है, न कि इसका उद्देश्य केवल ये नहीं है कि दोनों पक्षों के बीच में केवल समागम हो। यानी कि सेक्शन 9 मैरिज को प्रिजर्व करता है, सेक्शन 9 प्रोटेक्ट द मैरिज। तो भाई जिस सेक्शन का उद्देश्य, जिस धारा का उद्देश्य मेल मिलाप करना हो, जिस धारा का उद्देश्य दोनों पक्षों को साथ रहने के लिए प्रेरित करना हो, ऐसा सेक्शन, ऐसी धारा, ऐसा प्रावधान अनकॉन्स्टिट्यूशनल कैसे हो सकता है? क्यों? क्योंकि वैसे भी भाई हमारी सोसाइटी में इस तरीके का सोशल स्ट्रक्चर है कि दो अनजान लोग जो मैरिज से पहले बहुत ज्यादा एक दूसरे को नहीं जानते हैं, और जब वो दोनों साथ साथ रहते हैं तो कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, वो इतनी बड़ी नहीं होती। तो जस्टिस रस्तोगी का कहना ये था कि उनको आपसी मेल मिलाप के लिए थोड़ा टाइम दिया जाना चाहिए, एकदम उनको अलग करने का निर्णय नहीं लिया जाना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में जो सेक्शन जोड़ने की बात करता है, तोड़ने की बात नहीं करता, जो धारा मेल मिलाप की बात करती है, अलग रहने के लिए प्रेरित नहीं करती, साथ साथ रहने के लिए प्रेरित करती है, तो ऐसा धारा, ऐसी प्रावधान, ऐसा प्रावधान अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं हो सकता। तो जस्टिस रस्तोगी ने, जो दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस थे, उन्होंने इस केस में सेक्शन 9 को कॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया। अब देखिए, आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने सेक्शन 9 को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया, और दिल्ली हाई कोर्ट ने सेक्शन 9 को कॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया, लेकिन अभी ये फाइनल नहीं है। फाइनल इसलिए नहीं है क्योंकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का अभी इस पर जजमेंट नहीं आया है। अब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को देख लेते हैं कि वो इस विषय पर क्या कहते हैं। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने सरोज रानी वर्सेज सुदर्शन कुमार के केस में सेक्शन 9 के बारे में अपने व्यूज दिए। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में इस केस की जो हियरिंग की थी वो जस्टिस मुखर्जी साहब ने की थी, और जस्टिस मुखर्जी साहब दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस रस्तोगी साहब ने जो जजमेंट दिया था उसे एग्री करते हुए जजमेंट देते हैं कि भाई द ऑब्जेक्ट ऑफ द डिग्री ऑफ फॉर द रेस्टिट्यूशन ऑफ द कॉन्जुगल राइट इज कंसोर्टियम बिटवीन द पार्टीज, कोहेबिटेशन बिटवीन द पार्टीज, ये दोनों पक्षों को साथ रहने के लिए प्रेरित करता है। द ऑब्जेक्ट ऑफ सेक्शन 9 इज नॉट मियरली सेक्सुअल इंटरकोर्स। और जहां तक अधिकारों की बात है, तो जैसा कि मैंने आपको सैक्रामेंटल हिंदू मैरिज के कंसेप्ट में ये बताया था कि ए वुमेन इज हाफ ऑफ हर हस्बैंड, तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का ये कहना था कि भाई मैरिज के थ्रू हस्बैंड अपने सारे राइट वाइफ को दे देता है और वाइफ अपने सारे राइट हस्बैंड के फेवर में समर्पित कर देती है। तो हस्बैंड के राइट वाइफ की ड्यूटी और वाइफ के राइट हस्बैंड की ड्यूटी होती है। तो अधिकारों का इन दोनों के बीच में, यानी कि हस्बैंड और वाइफ के बीच में अधिकार जैसी कोई बात नहीं होती, इसलिए सेक्शन 9 इज कॉन्स्टिट्यूशनल। लेकिन मैं बहुत विनम्रता के साथ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के थोड़ा सा जो मेरे व्यूज हैं सेक्शन 9 के बारे में उनको बताना चाहूंगा कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ये कहते हैं कि भाई ऑब्जेक्ट ऑफ द सेक्शन 9 इज कोहेबिटेशन कंसोर्टियम नॉट मियरली सेक्सुअल इंटरकोर्स, बट हाउ मेनी पीपुल विल एक्सेप्ट कोहेबिटेशन विदाउट सेक्सुअल इंटरकोर्स। सेक्शन 9 इंट्रोड्यूस ए बुल इन द मैट्रिमोनियल होम। सर, इस सेक्शन की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम ये है कि ये एक पार्टी को दूसरी पार्टी के साथ
रहने के लिए कंपेल करता है, विवश करता है, बाध्य करता है, और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। देखिए, गाय को आप पानी पिलाने के लिए तालाब के पास तो ला सकते हो, लेकिन वो पानी पिए या ना पिए ये उसकी इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है। और सेक्शन 9 में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही यही है। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ हमारा जो सोसाइटी है, हमारी जो कल्चर है, इसमें पहली बात, क्योंकि सेक्शन 9 का यूज मैक्सिमम केसेज में वाइफ के अंगेंस्ट में किया गया है, तो पहली बार तो वाइफ घर की दहलीज को नहीं लांघती है, लेकिन अगर एक बार वो घर की दहलीज को लांघ जाती है तो मुझे नहीं लगता कि सेक्शन 9 की डिग्री इस कोहिबिटेशन या कंसोर्टियम के बारे में उनमें मेल मिलाप कर सके। हाँ, इसके साथ साथ यदि जो सोशल मेथड है या आपस में जो सगे संबंधी हैं उनके प्रयास भी हों तो वो ज्यादा बेहतर होगा। तो इस तरीके से प्रेजेंट टाइम में सेक्शन 9 कॉन्स्टिट्यूशनल है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने सरोज रानी वर्सेस सुदर्शन कुमार के केस में ये क्लियर कर दिया। अब हम बात करते हैं इसमें जो इसका एसेंशियल एलिमेंट है दूसरा, विथड्रॉ फ्रॉम द सोसाइटी। साहचर्य से प्रत्याहरण, मतलब साहचर्य से प्रत्याहरण का मतलब है जब मैरिज की दोनों पार्टीज में से एक पार्टी ने दूसरी पार्टी की कंपनी को छोड़ दिया है, साथ छोड़ दिया है, वो उससे साथ छोड़ करके चली गई है या चला गया है, उसने सोसाइटी को विथड्रॉ कर दिया है। लेकिन इसका मीनिंग क्या है, कब हम ये कहेंगे कि एक पार्टी ने दूसरी पार्टी की सोसाइटी को विथड्रॉ कर दिया है। देखिए, द कॉज ऑफ एक्शन अराइज व्हेन वन पार्टी विथड्रॉ फ्रॉम द सोसाइटी टू अनदर, तो वाद कारण जब तक उत्पन्न नहीं होगा जब तक कि एक पार्टी दूसरी पार्टी की सोसाइटी को विथड्रॉ ना करे। तो कई बार कुछ इस तरीके के अजीब केस हमारे सामने आए कि भाई यदि पति के आदेश पर पत्नी नौकरी छोड़ने से इनकार कर दे तो क्या यह विथड्रॉ फ्रॉम द सोसाइटी, साहचर्य से अलग होना माना जाएगा? डज द वाइफ रिफ्यूजल टू गिव अप हर जॉब एट द इंस्टेंस ऑफ द हस्बैंड इज अमाउंट टू विथड्रॉ फ्रॉम द सोसाइटी? देखिए, ऐसे मामलों में हमारे पास एक ट्रेडिशनल अप्रोच, मतलब जो करीब 60 के दशक में या 70 के दशक में हमारे डिफरेंट डिफरेंट हाई कोर्ट्स के इस विषय पर क्या व्यूज थे, पहले हम उनको देखेंगे और प्रेजेंट टाइम में इस पर क्या व्यूज हैं उन्हें हम बाद में देखें। एक तीरथ कौर वर्सेज कृपाल सिंह और दूसरा केस है गया प्रसाद वर्सेज भगवती। दरअसल इन दोनों ही केसेज में वाइफ जॉब में थी और हस्बैंड जॉब में नहीं था, अनएम्प्लॉयड था। कुछ दिनों के बाद उनमें मनमुटाव हो गया और दोनों ही केसेज में हस्बैंड ने वाइफ से कहा कि भाई नौकरी छोड़ो और घर आ जाओ। वाइफ ने कहा कि भाई मैं नौकरी तो नहीं छोड़ पाऊंगी, लेकिन आपको प्रॉब्लम क्या है, आप मेरे पास कभी भी आ सकते हो, क्योंकि दोनों ही अलग अलग जगहों पर रहते थे। तो वाइफ ने कहा कि आप कभी भी मेरे पास आ सकते हो और जब भी मुझे छुट्टी मिलती है तो मैं आपके पास आ जाती हूँ, लेकिन यदि आप ये कहते हो कि भाई नौकरी छोड़ो तो मैं नौकरी तो नहीं छोड़ूंगी। तो दोनों ही केसेज में हस्बैंड ने सेक्शन 9 में रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट की पिटीशन फाइल कर दी। और उस समय ये पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट का केस है और ये मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का केस है, और दोनों की दोनों मामलों में दोनों ही कोर्ट्स ने इसे विथड्रॉ फ्रॉम द सोसाइटी मानते हुए वाइफ को सेक्शन 9 में, वाइफ के अंगेंस्ट सेक्शन 9 की डिग्री प्रदान करते हुए हस्बैंड के फेवर में वाइफ को यह आदेश दिया कि आप हस्बैंड के साथ रहिए,
रेस्टिट्यूशन फॉर कॉन्जुगल राइट। देखिए दरअसल इन दोनों हाई कोर्ट्स के माइंड में कुछ चीजें चल रही थी, और वो उस समय जैसे हिंदू धर्म शास्त्रों में ये लिखा हुआ है कि ए वाइफ हू डिड नॉट लिव अंडर द रूफ एंड प्रोटेक्शन ऑफ हर हस्बैंड नॉट एंटाइटल्ड टू मेंटेनेंस। तो देखिए धर्म शास्त्रों की बातें बहुत पुरानी हैं और प्रेजेंट टाइम में ये चीज नहीं हो सकती, इसलिए हम इनको ट्रेडिशनल अप्रोच कहते हैं। लेकिन यदि प्रेजेंट सिनेरियो देखा जाए, आज की डेट में इसकी क्या स्थिति है उसे देखा जाए, तो देखिए मैं आपको एक नहीं दो नहीं चार केसेज बता रहा हूं जिनमें यह कहा गया कि अगर वाइफ जॉब छोड़ने से इनकार करती है तो इट इज नॉट सफिशियंट ग्राउंड फॉर ग्रांटिंग द डिग्री ऑफ रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट, जिसमें शांति वर्सेज रमेश है। प्रवीण बेन वर्सेज सुरेश भाई, स्वराज गर्ग वर्सेज के एम गर्ग, और फोर्थ केस जो बहुत इंपॉर्टेंट केस है ब्राडसो वर्सेज ब्राड्स। देखिए इसकी कॉन्स्टिट्यूशनलिटी पर मैंने आपको तीन केसेज बताए, विड्रॉ फ्रॉम द सोसाइटी में भी मैंने आपको कई केसेज बताए हैं। कॉन्स्टिट्यूशनलिटी पर जो केस बताए हैं ये असिस्टेंट प्रोफेसर की एग्जाम में जो पीएससीज लेती हैं उनमें भी आए हुए हैं, और नेट के एग्जाम में भी कई बार इनको पूछा गया है। तो ये केसेज आपको याद रखने हैं कि किस केस में अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया गया, किस केस में कॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया गया। ब्राडसो वर्सेज ब्राडसो में भी कोई कोएबिटेशन को डिफाइन किया गया है, तो कोएबिटेशन की डेफिनेशन किस केस में, इंग्लिश केस है ये, तो इस केस में ये कहा गया कि भाई कोएबिटेशन मींस ए वाइफ लिविंग अंडर द रूफ एंड प्रोटेक्शन हर हस्बैंड, बट कोएबिटेशन डज नॉट मीन ए हस्बैंड एंड वाइफ लिविंग टुगेदर फिजिकली अंडर द सेम रूफ। भाई साचर्य का मतलब ये है कि पत्नी अपने पति के साथ रहे, लेकिन साचर्य का मतलब ये नहीं है कि पति और पत्नी हमेशा ही एक दूसरे के साथ शारीरिक रूप से एक छत के नीचे रहे। आज की डेट में तो ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, प्रेजेंट सिनेरियो में ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। तो जो तीरथ कौर वर्सेज कृपाल सिंह एंड गया प्रसाद वर्सेज भगवती के केस में ऑनरेबल हाई कोर्ट्स ने, पंजाब एंड हरियाणा एंड एमपी हाई कोर्ट्स ने जो सेक्शन 9 में विड्रॉ फ्रॉम द सोसाइटी का इंटरप्रिटेशन किया, इस तरीके का इंटरप्रिटेशन आज की डेट में पॉसिबल नहीं है, और ये इन केसेज से प्रूव होता है। इन केसेज में उन्होंने इसे विड्रॉ फ्रॉम द सोसाइटी का ग्राउंड नहीं माना, और यदि इस तरीके का इंटरप्रिटेशन हम करने लग गए तो आप देखिए एक भूचाल आ जाएगा। भूचाल कैसे आ जाएगा, कितने लोग हैं जो अपने घरों से दूर फैक्ट्रीज में काम करते हैं, इंडस्ट्रीज में काम करते हैं, हमारे डिफेंस पर्सन साल साल डेढ़ डेढ़ साल दो दो साल में अपने घर आते, पहले आते थे, अब तो फिर भी जल्दी आ जाते हैं, तो क्या हम ये माने कि ये विड्रॉ फ्रॉम द सोसाइटी कर रहे हैं। हमारे जाने कितने भाई, चाहे वो केरल साइड से हों, राजस्थान के शेखावाटी से हों, यूपी सारी स्टेट से, गल्फ कंट्रीज में या फॉरेन नेशंस में जॉब करते हैं, और वो वापस अपने घरों को कोई साल में, कोई दो साल में, कोई छः महीने में वापस आता है। सोचिए अगर इन सभी की वाइफ्स सेक्शन 9 में पिटीशन फाइल करने लग जाएंगी तो फैक्ट्री बंद, इंडस्ट्री बंद, बॉर्डर खाली। तो जो इंटरप्रिटेशन ऑनरेबल पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने किया था, एमपी हाई कोर्ट ने किया था, वो सही नहीं था। अब हम डिस्कस करते हैं इसमें, भाई सेक्शन 9 के एक्सप्लेनेशन में एक वर्ड यूज किया है
रीजनेबल, हालांकि सेक्शन 9 में भी किया गया है, विड्रॉ फ्रॉम द सोसाइटी विदाउट एनी रीजनेबल कॉज, यानी कि जब एक पक्ष दूसरे पक्ष से अलग हो गया है, उसका साथ छोड़ के चला गया है, तो वो बिना किसी कारण के जाना चाहिए, विदाउट एनी रीजनेबल एक्सक्यूज। तो भाई विदाउट एनी रीजनेबल एक्सक्यूज क्या है? तो देखिए ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, सोसाइटी टू सोसाइटी एंड केस टू केस। क्यों? क्योंकि एक मामले में जो रीजनेबल कॉज है वो दूसरे मामले में नहीं हो सकता, और कोई दूसरे मामले में जो रीजनेबल कॉज है, क्योंकि ये तो सोसाइटी टू सोसाइटी डिपेंड करता है, कहीं किसी मामले में एक युक्तियुक्त कारण हो सकता है दूसरे में नहीं, क्योंकि कई जगह हस्बैंड ड्रिंक करते हैं, वाइफ्स ड्रिंक करती हैं, तो ये जरूरी नहीं है कि वहां वो रीजनेबल कॉज हो, और एक दूसरी जगह किसी भी सोसाइटी में वो रीजनेबल कॉज हो सकता है। तो ये इसका कोई ऐसा नहीं हो सकता कि सारे के सारे मामलों को हम ये मान लें कि भाई ये घर छोड़ने का युक्तियुक्त कारण था, लेकिन फिर भी कुछ कॉमन ग्राउंड हैं, जैसे एडल्ट्री, क्रुएल्टी, ओवर बियरिंग, नेजिंग, डिक्टेटोरियल कंडक्ट, ड्रंकननेस, इंटॉक्सिकेशन, मिसबिहेवियर, मिसकंडक्ट। तो इस तरीके के जितने भी जो एग्जांपल्स हैं, कंक्यूबाइन, हस्बैंड या वाइफ दोनों में से कोई एडल्ट्री करता है, कोई क्रूरतापूर्ण व्यवहार करता है, कोई बुरा व्यवहार करता है, कोई उल्हाने या ताने मारता है, या फॉल्स चार्ज ऑफ एडल्ट्री का लगाया जाता है, तो ये कुछ ऐसे कॉमन ग्राउंड हैं जिनके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि ये विड्रॉ फ्रॉम द सोसाइटी का रीजनेबल कॉज है, रीजनेबल एक्सक्यूज है। इससे रिलेटेड एक बहुत अच्छा केस है, एक डॉक्टर चांद राम गौतम, वर्सेज सरोज गौतम। इस केस में वाइफ वेजिटेरियन थी, हस्बैंड नॉन वेजिटेरियन था, तो ये हस्बैंड अपनी वाइफ को मीट वगैरह खाने के लिए कंपेयर करता था, तो जब वो ज्यादा, और वो उसे पसंद नहीं था, वो मीट वगैरह को लाइक नहीं करती थी, तो जब वो उसे ज्यादा परेशान करने लगा तो उसने सोसाइटी को विथड्रॉ कर दिया, और कोर्ट ने इसे रीजनेबल कॉज माना। तो इस तरीके से उसमें एक और है अपने सेक्शन 9 में कि भाई कोर्ट को सेटिस्फाई होना होगा कि जिस पार्टी ने सेक्शन 9 में पिटीशन फाइल की है, क्या वास्तव में वो दूसरे पक्ष को अपने साथ रहने के लिए रहना चाहता है, दूसरे पक्ष के साथ, कहीं ऐसा तो नहीं है कि सेक्शन 9 का मिसयूज किया जा रहा हो। तो ऑनरेबल कोर्ट को इस तरीके का भी ये देखना चाहिए कि कहीं नो अदर ऑब्स्ट्रक्शन, यानी कि जो भी स्टेटमेंट पिटीशन में किया गया है वो ट्रुथ है या नहीं। तो इस तरीके से हमारा सेक्शन 9 रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट टॉपिक में हम ग्राउंड्स ऑफ डाइवोर्स या थ्योरीज ऑफ डाइवोर्स को डिस्कस करेंगे। नमस्कार, जय हिंद।